हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सरसाइज ब्लॉग एंड आज की वीडियो डेडिकेटेड है फॉर ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट। सो एज द नेम सजेस्ट, ये वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया के वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं। एज इट इज हमारी कंपनी स्टडी वीजा में ही डील करती है, बट आज की ये वीडियो वर्क परमिट पे हम क्यों बना रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंपनी को काफ़ी इंटेंस नॉलेज है अबाउट ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। ऑस्ट्रेलिया में तीन तरह की सब क्लासेज होती हैं, फ्रॉम 400 सब क्लास टू 500 सब क्लास, 500 सब क्लास टू 600 सब क्लास। एज इट इज वी ऑल नो 500 सब क्लास स्टडी वीज़ा है, 600 सब क्लास एक टूरिस्ट वीज़ा है, बट जो सी 400 से लेके 500 के बीच में जितनी सब क्लास हैं वो सारी की सारी वर्क परमिट वाली सब क्लास हैं जिसपे आप ऑस्ट्रेलिया में वर्क कर सकते हैं। जॉन से स्टूडेंट ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है जब उनका स्टडी वीज़ा फिनिश हो जाता है, सब क्लास 500 फिनिश हो जाती है, तो वो 400 सब क्लास की तरफ मूव कर जाते हैं, चाहे वो 482, 484 या 485 सब क्लास हो। बट एज इट इज इंडिया में इतने बच्चे नहीं है, इंडिया में इतने एप्लीकेंट्स नहीं है जो डायरेक्टली 400 सब क्लास के बीच में क्वालिफाई करते हो। सो एज इट इज उसके लिए एप्लीकेशंस भी काफ़ी कम आती हैं। बट पर्टिकुलरली आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी वर्क परमिट की सब क्लास लेके आया हूँ जिसकी रिक्वायरमेंट बेयर मिनिमम है। इफ़ यू आर इवन अ बेसिक ग्रेजुएट स्टूडेंट आप इस सब क्लास के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, ये सब क्लास काफ़ी लिमिटेड है, इन्होंने इंडिया से सिर्फ 3000 वर्किंग प्रोफेशनल्स ही ले रहे हैं। अगर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप हमें जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। सो जौन सा वीज़ा है जिसकी मैं अब इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, दैट इज मेट्स वीज़ा या मेट्स पॉलिसी। अब मेट्स वीज़ा या पॉलिसी है क्या? द फुल फॉर्म ऑफ मेट्स इज मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम मेट्स। सो इसमें जो सी अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स है, दैट इज योर अर्ली ग्रेजुएट्स और जिनकी एज बेसिकली 30 साल से कम है, स्मॉल एज के वर्किंग प्रोफेशनल्स को ऑस्ट्रेलिया अपनी कंट्री में इनवाइट कर रहा है टू वर्क। आई थिंक वहाँ पे लेबर वर्क फोर्स काफ़ी कम है, सो इसी के चलते हुए उन्होंने मेट्स पॉलिसी लॉन्च की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी के, कौन से एप्लीकेंट्स एलिजिबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आर एज 30 और यंगर एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आपकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए, 29 ईयर्स इज द लास्ट एज। अगर आप 30 टच कर दें तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये अप्लाई करिए। अगर आपकी एज 29 से पीछे पीछे या 29 एग्जैक्ट की हैं, बेसिकली अगर 94 से लेकर 95 का बर्थ है इनका, ये पॉलिसी उनके लिए है। नॉट प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन मेट्स, आपने पहले कभी इस पॉलिसी या ऑस्ट्रेलिया के किसी भी सब क्लास वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं करा होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। अब बात करें हम आईएलटीएस रिक्वायरमेंट की, ओवरऑल 6 चाहिए विद नो लेस देन 5 इन एनी मॉड्यूल। यहाँ पे आपको आईएलटीएस का जनरल का एग्जाम देना है, ओवरऑल 6 विद नो लेस देन 5 के साथ आप एलिजिबल हैं। एंड द मेन थिंग इज हैव ग्रेजुएटेड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम एन एलिजिबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सो आपकी ग्रेजुएशन या आपकी मास्टर्स डिग्री पिछले 2 साल में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एमबीए की है, सो अराउंड मेरी एमबीए आज चल रहा है 2023-2021, जब आप अपनी एप्लीकेशन करेंगे तो अराउंड 2022 में आपकी बैचलर्स या आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, बेयरली वी कैन से 2021। ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपनी बैचलर्स या मास्टर 2021 में कंप्लीट की है। एज इट्स अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, उनको यंग ग्रेजुएट्स चाहिए अपनी कंट्री में, सो 2021 में जिन्होंने बैचलर्स एंड मास्टर्स की है दे आर वेरी गुड टू गो इन दिस वर्क परमिट। वेट्स पॉलिसी हर एक डिग्री के लिए नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बीए बीकॉम जैसी बेसिक डिग्री की है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आपने रेन्यूएबल एनर्जी में माइनिंग इंजीनियरिंग बीटेक वाले 2021 जिन्होंने अपनी बीटेक कम्प्लीट की है वो सारे के सारे एलिजिबल हैं वेट्स पॉलिसी के लिए। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर आपने भी आईटी में की है, आई वुड से बीसीए वाले भी क्वालिफाई कर जाएंगे इन मेट्स पॉलिसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक में आपकी डिग्री होनी चाहिए तब आप एलिजिबल हैं।
एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एग्री टेक बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर इज एलिजिबल इन दिस। सो स्पेसिफिक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप मेट्स पॉलिसी में क्वालिफाई करते हैं। मैं मेट्स पॉलिसी का ऑफिशियल PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं ब्रीफली करके बताऊँ, BTech वाले एलिजिबल हैं, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं, एंड बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिन्होंने BCA एंड MCA इंटरग्रेट की है, वो सब मेट्स पॉलिसी के लिए एलिजिबल है। आई थिंक सो लॉयर्स एलिजिबल नहीं है एंड बेसिक आर्ट्स बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन इज दैट इज देयर ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड। ये इसमें बताया गया है कि कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी की स्पॉन्सरशिप चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी की स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए आपको। बस आयल्स एंड डिग्री चाहिए अपनी, आपको बैचलर्स मास्टर डिग्री आपके आयल्स में ओवरऑल 6 हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। अब काफ़ी ब्रीफ क्वेश्चंस जो इस वीज़ा के साथ रिलेटेड हैं, या जब भी आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सो व्हाट आर द परमिटेड एक्टिविटीज, आप ओपन वर्क परमिट की तरह आप इसको ट्रीट कीजिए। ये मेट्स पॉलिसी ऑस्ट्रेलिया का एक ओपन वर्क परमिट है जिसपे आप अनलिमिटेडली काम कर सकते हैं, कोई परमिटेड एक्टिविटी नहीं है। 2 साल का ये वीजा होता है और इन 2 सालों में आप चाहे जौन सा मर्जी काम कीजिए, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। सो हाउ मैनी प्लेसेज आर अवेलेबल, अगेन 3000 प्लेसेज अवेलेबल है, फास्ट फिलिंग है, काफ़ी कम लोगों को इनका पता है। सो अगेन अप्लाई जल्दी कीजिए। विल मेट्स पार्टिसिपेट, विल बी एबल टू ब्रिंग देयर फैमिलीज टू ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने स्पाउस को अपने साथ लेके आ सकते हैं कि नहीं। यस, आप अपने स्पाउस को लेके आ सकते हैं, आप अपने चिल्ड्रन को लेके आ सकते हैं। अगर आपके चिल्ड्रन 18 ईयर्स से कम है तो आप अपने स्पाउस एज वेल एज अपने चिल्ड्रन को ऑस्ट्रेलिया में लेके आ सकते हैं। हाउ लॉन्ग कैन वीजा होल्डर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, अगेन 24 मंथ्स तक आप ले सकते हैं, 2 साल तक आप ले सकते हैं। मेन क्वेश्चन, विल मेट्स वीजा होल्डर्स बी एबल टू एक्सटेंड देयर स्टे, पार्टिसिपेट मेन, अगर आपका वीजा आ जाता है तो आप यहाँ पे अपना वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 साल के लिए आप अपना वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं। मेट्स में एक बार आपका वीजा लग गया, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, अपना 2 साल और वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं। अगेन अगर कोई भी इंटरेस्टेड है मेट्स पॉलिसी ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, आप हमें स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी नियरेस्ट एक्सेल सेटल अब्रॉड ब्रांच विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स के साथ अपनी जूम अपॉइंटमेंट फिक्स करके उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं।